बहुत सारे ऐसे सिख योद्धा हैं जिनका इतिहास इस देश के अंदर दबा दिया गया है। एक ऐसे ही भारतीय वैज्ञानिक का इतिहास मैं आपको बताने वाला हूं। इस पंजाब के रहने वाले इस सिख साइंटिस्ट ने, इस सरदार जी ने जिस प्रकार से भारतीय पुलाड़ खोज विभाग के अंदर काम किया है और जिस प्रकार से इनको अवार्ड दिए गए हैं और इनके नाम के ऊपर आज के समय में एक डाक टिकट भी जारी कर दी जा चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरदार हरजीत सिंह जी के बारे में। पंजाब के मोगा शहर के रहने वाले हरजीत सिंह जी सन 2007 के अंदर भारतीय पुलाड़ विभाग के अंदर यानी कि इसरो के अंदर काम करने के लिए ज्वाइन हुए थे। सरदार हरजीत सिंह जी ने बतौर रॉकेट वैज्ञानिक इन्होंने इसरो को ज्वाइन किया था। अब इन्होंने इसरो को ज्वाइन किया तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। जब काम करते गए तो साल 2017 के अंदर आकर इनको इसरो ने बेस्ट टीम एक्सीलेंस का अवार्ड दिया। साल 2018 में हरजीत सिंह जी को फिर से अवार्ड दिया गया। साल 2018 में हरजीत सिंह जी को यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला। अब साल 2017 में अवार्ड मिल चुका है, साल 2018 में फिर से अवार्ड मिल चुका है। अब बारी आती है इसके पास साल 2019 और 20 की। दोस्तों, साल 2020 के बाद भारतीय पुलाड़ खोज संस्था या विभाग इसरो ये हरजीत सिंह जी के नाम पर एक डाक टिकट जारी करता है। हरजीत सिंह जी का काम और उनकी कामयाबी को देखकर, उनकी काम के अंदर लगन को देखकर इनको सम्मानित करने के लिए यंग साइंटिस्ट के तौर पर इन्हें सम्मानित किया जा चुका था और टीम एक्सीलेंस का काम जो है, टीम वर्क करना, उसके लिए भी इनको सम्मानित किया जा चुका था। अब इसी के साथ इस खबर को या इसके इतिहास को आज तक हमारे भारत के मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया? केवल ऑनलाइन ऐप्स और सोशल मीडिया के ऊपर ही इनके आर्टिकल्स हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन ये वो सरदार है जिसने सिखों की पगड़ी को अपने सर के ऊपर ताज बनाकर चमकाया है और इसरो विभाग के अंदर रॉकेट वैज्ञानिक होते हुए अंतरिक्ष में भी सिखों की इस पगड़ी को चमकाया है। वीडियो के अंदर सरदार हरजीत सिंह जी का, जो कि मोगा पंजाब के रहने वाले हैं, उनकी पूरी जानकारी भी सुन ली। इनके पिता भी मास्टर थे और इनकी माता भी मास्टर थी। इनके भाई एक फैक्ट्री के अंदर एक इंजीनियर है जो कि यूएसए के अंदर कंपनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।